नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड का फंडा में आपका स्वागत है। अपग्रेड योरसेल्फ रेगुलर। अगर आप बॉलीवुड में स्टे करना चाहते हैं और बॉलीवुड में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को रेगुलरली जो है अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड अगर आप नहीं करेंगे तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे कि आज आपके पास जो मोबाइल है उसमें चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो iOS हो, उसमें जो वर्जन है अगर आप उसमें पुराना वर्जन डालते हैं तो क्या हाल होता है मोबाइल का, या कितना स्लो हो जाता है, किस तरह से हो जाता है आपको मालूम है। जो भी नई इम्प्रूवमेंट होती है, जो नई टेक्नोलॉजी आती है, वो बेटरमेंट के लिए आती है हमेशा। तो जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको आप जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल रहेगा, खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट यानी कैमरा, एक्टिंग, साउंड या और किसी VFX की बात करें तो आप देखेंगे कि पहले जिस तरह से काम होता था उससे अब में बहुत चेंज आ गया है। पहले जब VFX बनते थे तो पीछे क्रोमा लगाया जाता था, पर्दा लगाया जाता था, उसके आगे शूटिंग होती थी, वो नीले रंग का होता था, फिर ग्रीन आया, नीला ग्रीन दोनों यूज होते थे, फिर CG आया। CG के आने के बाद से, जब से कंप्यूटर ग्राफिक्स शुरू हुआ है तब से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बिल्कुल एकदम नेचुरल लगने लगे, सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ हो गई, और सबसे बड़ी बात पैसा उस टाइम से कम लगने लगा। उसी तरह से कैमरे की बात करें तो जब डिजिटल आया इंडिया में भी या कहीं पे भी तो लोगों ने पहले इसे नकार दिया, नहीं इसमें तो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं आती है अच्छी, इसमें कोई शूट थोड़ी होता है, शूट तो फिल्म्स पर ही होता है, फिल्म रोल होना चाहिए। इवन 2012 तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि कैमरामैन हमेशा यही कहते थे, किसी भी कैमरामैन या DOP से आप पूछिए कि नहीं नहीं आप रोल पे शूट कीजिए। आज की डेट में रोल बंद ही हो गए हैं, अब सारा काम ही डिजिटल पे होता है, चाहे वो 5D पर हो, चाहे रेड पर हो, चाहे एपिक पर हो, किसी पर भी हो, लेकिन सब काम आजकल डिजिटल पर हो। तो अगर हम लोग अपने आप को या वो कैमरामैन जिनको इस वजह से काम नहीं मिला कि वो डिजिटल को नहीं करना चाहते थे या आज भी वो नहीं कर पाते हैं तो वो पिछड़ गए हैं, उनको आज की डेट में काम नहीं मिलेगा, और जो नई टेक्नोलॉजी को सीख कर नए लोग आ रहे हैं उनको ज़्यादा काम। उसी तरह से एक्टिंग में भी है। एक्टिंग में अगर आप पुराने टाइम की फिल्म देखें, अशोक कुमार जी के इस टाइम की या उससे भी पहले की, तो एक अलग किस्म की डायलॉग डिलीवरी होती थी, कहाँ जा रही हो, इस तरह से डायलॉग बोले जाते थे। उसके बाद थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके बाद थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ, और आज के टाइम में जो एक्टिंग है पहले की ड्रामेटिक एक्टिंग की बजाय नेचुरल एक्टिंग है। आज हम लोग सिर्फ नेचुरल एक्टिंग पसंद करते हैं, जब नेचुरल एक्टिंग नहीं होती तो हम लोगों को अच्छा ही नहीं लगता। तो ये एक्टिंग के अंदर भी चेंज आया है। उसके बाद साउंड। साउंड में पहले जब डबिंग होती थी उसके बाद जो इफेक्ट्स लगाए जाते थे साउंड के, वो सब बने हुए होते थे या बनाए जाते थे उस तरह से कि कंप्यूटर पे पहले के रिकॉर्ड हैं उनको लगा देते थे। आज की डेट में इफेक्ट्स और एम्बियंस का इतना ज़्यादा महत्व है कि छोटे से छोटा फिल्म मेकर भी एम्बियंस और साउंड के ऊपर बहुत ध्यान देता है। और वैसे भी साउंड के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो, क्योंकि साउंड ही एक ऐसी चीज़ है जो देखने के बाद सुनाई देती है। मतलब तो जब आप कोई दृश्य शूट करते हैं तो उसके बारे में बताता तो साउंड ही है। अगर आपकी साउंड खराब होगी या आपकी पिक्चर क्वालिटी खराब होगी तो कोई आपकी कितनी अच्छी स्टोरी हो उसे नहीं देख पाएगा। साउंड में जो एम्बियंस की बात हम कर रहे थे, तो एम्बियंस जो साउंड है उसका आज के डेट में बहुत महत्व है। अभी नेचुरल साउंड को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि आर्टिफिशियल साउंड्स को। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप अपने आप को लगातार अपग्रेड करते जाइए, अपग्रेड रेगुलरली, क्योंकि रोज़ नई इन्वेंशन हो रही है, रोज़ नई चीज़ आ रही है, रोज़ नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, तो आप उनके साथ अपने आप को वॉक कीजिए, आप उनसे अपना सामंजस्य बैठाइए, और उनको लेके आप जब आगे बढ़ेंगे तो नेचुरल सी बात है
कि आप बॉलीवुड में स्टे भी कर पाएंगे और बॉलीवुड में अर्न भी कर पाएंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।